जो डेटा की फॉर्म होती है कुछ इस तरह की होती है वी लुकअप में। अतुल जी ऑफलाइन, तो आपको वी लुकअप में जो होती है डेटा की फॉर्म इस तरह से होती है हमारे पास। वी लुकअप क्या करता है, वर्टिकली डेटा लुकअप करता है। सपोज ये आईडी है मेरे पास, अब मेरे को ये पता लगाना है 102 पे कौन सा सप्लायर है, क्या एसओ नेम क्या है, तो इसमें ये आ रहा है। आगे कस्टमर कोड क्या है, डीपीएल क्या है, टीपी आउट क्या है, कौन सा मंथ है, क्या डेट थी, तो ये एक पूरा डेटा बन गया। किससे रिलेटेड, इस आईडी से रिलेटेड। जब डेटा इस तरह से बने रो वाइज वर्टिकल, तो इस तरह से ढूंढने के लिए वी लुकअप यूज करते हैं जब आपको डेटा ऐसे ढूंढना हो। हॉरिजेंटल लुकअप जो होता है, एच लुकअप हॉरिजेंटल लुकअप होता है जिसमें डेटा इस तरह से ढूंढा जाता है। अब उस डेटा की फॉर्म कैसी होगी, यहां तो डेटा हमारा ऐसे है, जो एच लुकअप के लिए डेटा है वो हमारा इस तरह से होता है। ये देखिए, अब डेटा कैसे ढूंढना है हमें, ऐसे। फर्क समझ में आया डेटा में किस तरह का फर्क आया है। तो अब कुछ हम आईडीज ले लेते हैं, जैसे जो हमें जिनकी ढूंढना है, 4, 109, 116, तो कुछ आईडीज है मेरे पास। अब एच लुकअप लगाते हैं, इसमें हमारी लुकअप वैल्यू जो है सेम है। वी लुकअप में सब कुछ सेम रहता है, वी लुकअप एच लुकअप में, बस ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो रो इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज ये रोज है ना। सो लुकअप वैल्यू ले लिया, टेबल एरे में हम यही टेबल ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट रो इंडेक्स नंबर, अब मुझे डेट निकालनी है तो इस बॉक्स के अंदर डेट जो है सेकेंड रो पे है, फर्स्ट रो पे कौन है, एम्प्लॉय आईडी, सेकेंड डेट, थर्ड एसओ नेम, फोर कस्ट कोड, डीपीआर टी पे आउट एंड मंथ, सेवन पे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। देन हम दो चीजें देते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स देते हैं या जीरो देते हैं, फॉल्स लिख देता हूं, ठीक है जी। तो ये अब मुझे वो वाली डेट दिखा रहा है। एक बार और लगाते हैं एच लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी, टेबल एरे हमारा ये रहेगा, रो इंडेक्स नंबर, अब एसओ नेम के लिए थर्ड इंडेक्स पे 1, 2, 3, 3 पे है ना, 3 लिख देंगे, जीरो या फॉल्स कुछ भी, ठीक है जी। ये आ गया, तो एच लुकअप हमारा इस तरह से काम करता है। समझ में आया ये चीज। अब चलिए मैं आपको वी लुकअप में थोड़ा सा एडवांस चीज दिखाता हूं। हमने थोड़ी सी कंडीशंस लगाई थी, तो ये देखिए, सपोज हमें इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैं क्या करता हूं, इफ का फॉर्मूला यूज करता हूं। इफ के फॉर्मूले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं था ना। अब जैसे 0 to 40 अगर सेल्स हो तो मुझे 500 का इंसेंटिव देना है, 41 to 80 हो तो 1000 का देना है, 81 to 100 हो तो 1500 का देना है, और ग्रेटर देन 100 हो देन मुझे 2000 का देना है इंसेंटिव। तो कैसे कैसे लगाएंगे हम, इफ दिस सेल्स इज लेस देन 40 देन 500,
एक और कंडीशन फेक करनी है हमें फॉल्स के अंदर, तो इफ लेके एक और, अगर 40 से छोटी है तो ठीक है, पर 40 से बड़ी हुई तो क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 करता हूँ, क्योंकि 40 तक है, हमें नेक्स्ट 40 से लेना है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये हमारा क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, तो 80 के लिए क्या लिखेंगे, 80 के लिए हमने कितना दिया, 1000 रुपये दिया। इसके बाद इसकी ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू में फिर हम एक कंडीशन फिट करेंगे कि क्या वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, हम इसमें 1500 फिट करेंगे। फिर से फॉल्स में हम एक और कंडीशन लगाएंगे कि क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 100 है। यहां पे हम कर देंगे 2000, ठीक है, अदरवाइज 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे सारे। क्या आ गया, अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है। अब यहां तो हमें इफ का जो है बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ा। अब यही काम मैं इसमें आपको वी लुकअप के जरिए करवा के दिखाता हूँ। बस हमें थोड़ा सा ना डेटा मॉडल चेंज करना पड़ेगा, बाकी सेम है। वी लुकअप में मैंने आपको ट्रू का यूज नहीं बताया, मेरे ख्याल से मैंने ट्रू का यूज नहीं दिखाया बताया। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं लेता हूं वो लेता हूं 0, सेकंड पॉइंट लेता हूं 41, थर्ड पॉइंट 81 एंड लास्ट पॉइंट 101, ठीक है जी। वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं, वी लुकअप लुकअप वैल्यू जो हमारी सेल्स ही रहेगी, और जो इसका टेबल एरे रहेगा वो मेरा ये रहेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये सेकंड इंसेंटिव हमें करना है। और हम यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू यूज करेंगे या वन, मैं ट्रू कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। डेटा को फ्रीज कर लेता हूँ ताकि अननेसेसरी चेंजेस से बच सको। अब ये देखिए सेम काम हुआ जो मेरा एक फॉर्मूले से हुआ था। अब इसने वर्क कैसे किया ये मैं आपको बताता हूं। वी लुकअप में जब हम ट्रू डालते हैं ना तो वो ग्रुप बना लेता है। ग्रुप कैसे, अब जैसे आप 0 से 40 तक का ग्रुप जब ट्रू होता है अप्रोक्सीमेट होता है, तो जब मैंने इसको कहा कि 0 करो 0, तो मतलब 0 से 41 से पहले पहले जितनी वैल्यू थी वो 0 के ग्रुप में आती थी, उसने उसके लिए 500 दिखाया। फिर 81 से 41 के बीच में 41 to 80 का ही डाटा होगा ना, तो उसने 1000 दिखाया उसके लिए। अब 81 से 101 के बीच में 81 to 100 तक थी वैल्यूज, जिसके लिए उसने 1500 दिखाया, और उसके बाद नीचे कुछ नहीं है, तो फिर वो उसने 101 के लिए सीधा सीधा 2000 दिखा दिया, ठीक है जी। ये चीज क्लियर है हम किस तरह से वी लुकअप में ट्रू का यूज करेंगे। और आपको दिखाते हैं, और थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फंक्शंस पे ही आज हम बात करेंगे।
इफ एरर का मैंने फंक्शन बताया होगा आप लोगों को, मैं आता हूँ। अच्छे अच्छे फंक्शन है। टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, काउंट इफ सम इफ मैंने बताया था, एक आपको याद होगा मैंने टेक्स्ट फिल्टर आपको बताया था, टेक्स्ट फिल्टर, ये इसमें हमारे पास एक चीज थी बिगिंस विद एंड्स विद एंड कंटेन्स। अब बिगिंस विद में मैं डालता हूं ओम, जो टेक्स्ट ओम से स्टार्टिंग हो रहा हो। एंड्स विद में डालता हूं पेंट्स, जिस स्ट्रिंग की वैल्यू जो है लास्ट में पेंट्स हो वो दिखाएगा। लास्ट में पेंट्स है ना इसके, और एक था कंटेन्स, मतलब ये कहीं भी हो, स्टार्ट में हो लास्ट में हो कहीं भी हो, ये आपका मैंने कहा A1, कहीं भी हो, या ओम कहीं भी हो, जैसे मूर्ति ट्रेडिंग कंपनी, कंपनी में ये मिल गया ऐसे ओम, ठीक है जी। तो इसको अगर हमें फॉर्मूले में बिल्ट करना हो तो किस तरह से करेंगे? अब जैसे हम काउंट इफ का फंक्शन लगाते हैं, काउंट इफ, इसमें क्या होता है, हम रेंज देते हैं और एक क्राइटेरिया देते हैं। क्राइटेरिया क्या, अब मैं कहता हूं कि ये जैसे मैंने बिगिंस विद बताया था, मैंने कहा ओम से स्टार्टिंग करें, आगे मैंने स्टार दे दिया। स्टार का मतलब क्या है कि इसके आगे कोई भी कितनी भी स्ट्रिंग या करेक्टर हो सकते हैं, पर स्टार्टिंग इससे ही होगी, स्टार्टिंग में ये लेगा, बाकी स्टार के बाद में कितने भी करेक्टर हो सकते हैं, ठीक है जी। इसने बताया 288, ठीक है जी। दूसरे फंक्शन में मैं लेता हूं सेम रेंज, और इसमें जो मैंने बताया था पेंट्स का, अब इसमें हम पहले स्टार लगा देते हैं। पहले स्टार का मतलब है कि इसके आगे आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ये उसने दिखा दिया। और दोनों तरफ अगर आप स्टार लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कंटेंस, मतलब ये कहीं भी हो सकता है। इसके स्टार का मतलब हो जाएगा, फर्स्ट स्टार का, इसके आगे कुछ भी हो सकता है, और इस स्टार का मतलब हो जाएगा इसके पीछे कुछ हो सकता है। तो ये हमें फिर रिजल्ट दिखाएगा। अब हम ये चीज क्यों यूज कर रहे हैं, इसका कहाँ यूज कर सकते हैं हम? जैसे वी लुकअप का फॉर्मूला है पार्शियल लुकअप करने के लिए आपको। अब पार्शियल में लुकअप वैल्यू में ना ये स्टार लगा के करें, आपको पूरी वैल्यू टाइप करनी नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा करेंगे वैल्यू आ जाएगी। पर आप एक सवाल उसमें ये उठता है कि पूरी तो आ जाएगी पर वी लुकअप एक ही दिखाता है, जबकि उसे मल्टीपल रिजल्ट मिलेंगे, तो यानी जो पहले वाली वैल्यू होगी वही उठाएगा खाली। फिर मैं आपको दिखाता हूं कि मल्टी वी लुकअप से मल्टीपल वैल्यूज कैसे उठाई जाए सेम चीज की, जैसा कि हम फिल्टर से करते हैं। अगर मैंने यहां से कोई टेक्स्ट वगैरह लिया है, अंबिका पेंट्स चूज किया, तो अंबिका पेंट्स का सारा डेटा दिखा रहा है। अब मैं यही काम वी लुकअप के थ्रू करवाना चाहता हूं। एक और चीज, ये हमारे पास एक और फंक्शन है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, अब क्राइटेरिया में इसके मैंने दे दिए 3 क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी।
इसने टोटल वैल्यू जो काउंट करके दिखाई ये थी। इसका मतलब है, तीन क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि वैल्यू जो है तीन करेक्टर की होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसके आगे एक करेक्टर बढ़ा देता हूँ तो ये वैल्यू घट जाएगी। तो जितनी डिजिट की होंगी ये हमें बता देगा। एक और लगा देता हूँ, अभी मेरे को काउंट करके बताएगा चार डिजिट की वैल्यूज, एक ये। ठीक है जी, तो ये इनको ना आप अपने हिसाब से ही यूज कर सकते हैं जब आपको जरूरत पड़े इस चीज की। अब लगा के देखते हैं मल्टी, उसका मल्टीपल रेंज के लिए टाइम कम है, मैं सोच रहा था आपको मल्टी शीट वी लुकअप दिखा दूं। मल्टी शीट वी लुकअप मैंने बताया था, आप लोगों को याद है? नहीं, या नहीं बताया? दो शीट से वी लुकअप लगाना। लेट सपोज एक वी लुकअप लगाते हैं हमारे पास। यहाँ पे ना कुछ आईडीज है मेरे पास। अब आईडी है डेटा वन में 101 से 116 तक है, और डेटा टू में 117 से 129 तक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा डेटा दो पेज में है। अब मुझे अगर मैं इसमें दो वी लुकअप लगाता हूं और इसका मिक्स डेटा हमें लुकअप करना है, तो अगर मैं इसमें दो लगाता हूं तो क्या होगा? यहां से ऐसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये कॉलम, ये जीरो। ठीक है जी, एक वैल्यू तो ये दे दी, पर इसमें क्या होगा ना, जब भी आपको ये वैल्यू मिलेगी दूसरी वाली आपको मिलेगी नहीं। अब ये मैं दूसरी शीट पे लगाता हूं, अब यहां जब एक फार्मूला रिजल्ट दिखाएगा तो एक फार्मूला दूसरी वाले एरर रिटर्न करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इफ एरर का हमारे पास फार्मूला है, जब किसी वैल्यू में एरर आए तो हम अगली वाली वैल्यू चला सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसमें ना पूरा फॉर्मूला ही फिट कर देता हूं इस इफ एरर में। ये दो फॉर्मूले दोनों टेबल के वी लुकअप डाल देता हूं इफ एरर में। पहला फॉर्मूला ये हो गया, इसको इफ एरर के अंदर ले लिया मैंने, और कॉमा के बाद जो वैल्यू इफ एरर है इसमें मैं दूसरा वाला वी लुकअप लगा दूंगा। यहां से कॉपी कर लेता हूं, और यहां वैल्यू इफ एरर में इस जगह डाल देता हूं, इनका इंडेक्स सेम कर देता हूं। ये फ्रीज, ये फ्रीज, यहाँ डॉलर, यहाँ डॉलर। अब जब मैं इसे ट्रैक करूंगा, यहाँ मुझे मैन्युअली ही चेंज करना पड़ेगा। या फिर चलिए चेंज ही कर देते हैं, क्या पहले के लिए तो चेंज कर लें। चार, यहाँ चार, पांच, यहाँ पांच, छह, यहाँ छह, यहाँ सात, इधर भी सात। अब क्या करता हूं मैं, इसको
ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक, तो ये मिक्स डेटा मेरा रिजल्ट दे देता है। अब इसमें और क्या कर सकता था मैं? अगर आपको, अभी तो मैंने दो को दिखाया, तीन को करना हो तो क्या करेंगे? इस इफ एरर में जो सेकंड है उसमें एक और इफ एरर लगा दें, ठीक है जी। अब क्या है, आपको एक इफ एरर उसके वैल्यू इफ एरर में लगाने पे एक और वैल्यू इफ एरर मिल जाता है, वहां कॉमा करके फिर से एक वी लुकअप लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे आप वैल्यू इफ एरर के अंदर में जितने मर्जी वो शीट का रेफरेंस फिट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये चीज क्लियर है? और एक चीज इसके लिए इम्पोर्टेंट जो होती है वो और बता देता हूँ। वी लुकअप में अब जैसे मैं बार बार मैनुअल नंबर्स वगैरह डाल रहा हूँ, मेरे पास एक मैच का फंक्शन है। मैच का फंक्शन मैं क्या है कि हेडिंग को लुकअप करने के लिए भी ले सकता हूँ। मैच से मैं अगर इस हेडिंग को देता हूँ कि लुकअप वैल्यू ये, और लुकअप कहाँ करनी है, मेन डेटा में अपने, इसकी ये रेंज दे दी और 0 एग्जैक्ट मैच, ये क्या करेगी, मुझे इंडेक्स नंबर देगी, ठीक है जी। अब जब मैं जैसे ये रेफरेंस दिया, अगर मैं इसकी ये चेंज करूं, हेडिंग चेंज करूं, यहां लिख दूं, तो ये मुझे वहां का दे देगी जो जहां पे ये वैल्यू इस रेंज में एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये डायनेमिक हो जाएगी। एक सेकेंड सर जी। हेलो। The organizer has ended the session, and this call will और be disconnected. Goodbye.